राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन का, अनेक दलों का, ये बहुजन राजनीति, बहुजन आंदोलन का, बहुजन महापुरुष के विचार के आधार पर देश के राजनीति का गठन होना चाहिए, इस बात को मानकर और एक तरफ देश की व्यवस्था के शिकार लोगों का सही तरह से उत्थान और उनका इस देश में निर्णायक स्थान होना चाहिए। दुर्भाग्य से देश में राजनीति यूपीए एनडीए में बंटने के कारण ये संभव नहीं है और इसलिए अपनी एक देशव्यापी राजनीति की गठन प्रक्रिया होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर लगभग 20-25 पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग राज्यों की, इनका ये राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन है और आज उत्तर प्रदेश में मेरठ यहाँ जो राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसके अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप एडवोकेट है, उनके साथी, इनके माध्यम से आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो जो आपका जो गठबंधन है, जो ये पार्टियों से अलग आप क्या करने जा रहे हैं? अभी आपने 4-5 दिन पहले एक जजमेंट आया एट्रोसिटी वाला, उस पर आप बात बताएं। जैसे मैंने कहा कि 20 तारीख को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया, एक तो मानते हैं कि जो एट्रोसिटी एक्ट अभी 2015 में पार्लियामेंट में संशोधन करके बहुत कड़क बनाया था, तो उस कड़क बनाए हुए एक्ट को जुडिशरी के 3 जजों के निर्णय के माध्यम से बिल्कुल कमज़ोर किया गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, जो खास करके SC ST के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं, मंत्री बन के बैठे हैं, जिसका भी हमारे एक साथियों ने आज प्रस्ताव पारित किया कि उन्होंने अपनी तुरंत सरकार से रिव्यू पिटीशन फाइल करके उस जजमेंट को ओवररूल करना चाहिए, नहीं तो फिर अपने पदों में रहने का उनका कोई दायित्व नहीं बनता। सर, ये आप मन से कह रहे हैं कि उनका पदों में रहने का कोई दायित्व नहीं बनता, लेकिन जो आज जो आपको समाज देख रहा है, जो गरीब समाज है, जो गांव देहात के अंदर है और जो गाँव के अंदर रह रहा है, उनकी समस्या है। आप लोग शहर में रहें तो आप एट्रोसिटी ज़्यादा कोई नहीं, जैसे दूसरे में फिर वही जिनका जिक्र किया या आंगनबाड़ी सेविका, तो सारी लगभग बहुजन समाज की है, ये तो गांवों में रहती है, कस्बों में रहती है, खेतिहार मजदूर इस देश में करोड़ों संख्या में है, उसकी आवाज़ का मामला है, या इवन जो पढ़े लिखे बहुजन समाज के नौजवान हैं, वो रोजगार के लिए तरस रहे और मोदी सरकार कहते हैं कि आपने बोला कि पढ़े लिखे वाली बात है कि और वही पढ़े लिखे लोग आज जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा के मन से उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, इस तरीके गठबंधन पहले से ही बने आ रहे हैं और बनते जा रहे हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन किया है कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो आपका क्या भूमिका रहेगी? जैसे हमने शुरू में ही कहा कि देश को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और अल्टरनेटिव पॉलिसी की ज़रूरत है और ये अल्टरनेटिव पॉलिसी और पॉलिटिक्स ये ब्राह्मणवाद के दायरे में रहकर, गांधीवाद के दायरे में रहकर, मनुवाद के दायरे में रहकर नहीं दे सकते, और इसीलिए बाबा साहब और बहुजन समाज के जो अन्य महापुरुष हैं, इनके विचारधारा के आधार पर एक राष्ट्रीय नीति का इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है और वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये देशव्यापी अन्य छोटे छोटे दलों से मिलकर एक राष्ट्रीय गठबंधन है। क्या और जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं, क्या उनके उनका जो विश्वास है या उनके प्रति आपके कोई श्रद्धा है, मतलब इस तरीके से अगर उन्हीं को आगे बढ़ाया जाए तो आपका कैसा रहेगा मामला? ना, जो ईमानदार है उसको किसी ने बढ़ाने की जरूरत भी नहीं, वो खुद भी बढ़ सकते हैं। जो आज बाबा साहब के संविधान के तहत जीत के आए हैं, वो भी मन से आपकी तरह बोलते थे हम ईमानदार हैं, हम दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, अकलियत के साथ ये काम करेंगे, आज वही उनके मुंह के अंदर दही जम गई है, जब दलित और मुस्लिम पर अत्याचार होता है वो कोई नहीं बोलता है। आपका इशारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ सीधा सीधा नहीं, बहुजन समाज पार्टी नहीं, आज एक अगर बहुजन समाज पार्टी का अगर अब काम है और काम कर रही है तो मायावती कर रही है और कोई लीडर नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर मायावती को भी कांशीराम साहब जैसे ये कारवा संभालने में सफलता मिलती तो NBA का गठन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ है, स्पेस खाली पड़ी है और वो स्पेस को किसी न किसी को तो भरना चाहिए, उसकी हम सारे मिलकर ईमानदारी से कोशिश। टारगेट एक मायावती का होता है और जो बाबा साहब के संविधान के तहत जीत के आए, रामविलास पासवान हैं और अठावले जी हैं, उदित राज जी हैं, अभी उन्होंने भी रैली की थी, अभी अठावले जी ने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जो एक रैली की थी उसके अंदर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, उन्होंने बोला कि अगली दो जब चुनाव आ रहा हम जीतेंगे और हम अठावले जी को फिर दोबारा मंत्री बनाएंगे। अब दलितों को, पिछड़ों को,
बैकवर्ड्स माइनॉरिटीज़ के ऐसे कुछ चमचा नेताओं को उठाना, मंत्री बनवाना, यह पहले कांग्रेस ने भी धंधा किया है, अब बीजेपी वही धंधा कर रही है। कुछ लोगों को पहले भी फ़ायदा हुआ है, वो उनका फ़ायदा अभी भी होगा।